जय माता दी। दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव आईपीएल के बाद अपनी पहली वीडियो लेकर फिर जुड़ रहा है। और वीडियो का जो सब्जेक्ट है आज वो ये है कि आईपीएल के बाद बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास मैसेज आए, फोन आए कि सर हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो यार देखो, खेलना अपनी जगह है, लेकिन कच्चे लालच में आप ना फंसे, इसकी जानकारी देना, ऐसे लोगों को पहचानना, ऐसे लोगों की समस्या का क्या समाधान है वो बताना भी हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं, ताकि आप लोग स्कैमर्स को पहचान सकें, उनके चंगुल में आने से बच सकें, उनका सही समाधान कर सकें, और ठीक तरीका क्या है उस पे भी बात होगी, उस पे भी चर्चा होगी। तो बहुत कुछ है वीडियो में जानने के लिए, सीखने के लिए। और अगर आप फैंटेसी खेलते हैं तो आपको इन एस्पेक्ट्स को जरूर सीखना चाहिए, इसलिए वीडियो पूरा देखें। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, वहां आपको एक स्टोरी दिखती है। स्टोरी दिखती है क्या? उस पर लिखा होता है विनिंग के बाद 10% दे दें, या होगा कि आप मुझे 1,000 रुपये दें, मैं आपको 2 करोड़ जिता दूंगा, प्राइम टीम ले लीजिए, है ना। कुछ लोग दावे करेंगे कि हम ड्रीम इलेवन ऐप जो है उसको हैक करके बीच मैच में आपकी रैंक बदलवा देंगे, और वो आपको भरोसा ये दिलाएंगे कल जिसने 2 करोड़ जीते थे हमने उसके साथ भी ऐसे किया था, वो हमारा ही तो बंदा था। या फिर ऐसे करेंगे कि देखो, जेन्युइन टीम बना के आप 2 करोड़ नहीं जीत सकते, आपको फेक चीजें करनी पड़ेंगी तब आप 2 करोड़ जीतेंगे। कैसे? कि भाई हम रैंक बदलवा देंगे आपकी, है ना, हम आपकी टीम चेंज करवा देंगे। और जो लोग ड्रीम इलेवन टीम में ग्रैंड लीग जीतते हैं 2 करोड़ की, वो यही करते हैं, टीम चेंज करवाते हैं वो, वरना उनको कैसे पता कि आज ये प्लेयर चलेगा। ऐसे ऐसे तर्क और दलील वो लेकर आते हैं जिसकी वजह से आप फंस जाते हैं लोगों के चक्कर में। आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है आपको, कि कैसे पहचाने वो चीज मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आपको उनका जो कम्युनिकेशन एक स्किल है, या कहिए कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, उससे आपको पहचानना है कि कैसे इन लोगों से अपने आप को बचा के रखें, अपने पैसे का ध्यान रखें। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं आगे, उन पे ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहला प्रॉमिस क्या होता है? सबसे पहला जब आप बात करेंगे, बात शुरू करेंगे, सबसे पहला प्रॉमिस आपका ये होता है, बल्कि प्रॉमिस से पहले मैं तो कहूंगा आपको बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात तो आपकी तरफ से स्टार्ट होती है, मैसेज तो आपकी तरफ से जाता है ना, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पोस्ट देखने के बाद इंटरेस्टेड का, है ना, बोलते हैं ना कि कमेंट में इंटरेस्टेड लिखें अगर आपको चाहिए विनिंग टीम। तो भाई आपको सबसे पहले तो मैसेज ही नहीं करना है। फिर अगर आप मैसेज करें भी ये सोच के कि चलो ठीक है, ऑथेंटिक हो सकता है, तो सबसे पहला प्रॉमिस आता है रैंक अगेंस्ट मनी का, कि उसमें दो तरीके के होते हैं। एक तो ये कि भाई आप मुझे 2,000 रुपये दे दो, 1,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये दे दो, मैं आपको ग्रैंड लीग टीम दे दूंगा, और वो आपकी 2 करोड़ जीतेगी। कल भी मेरी दी हुई टीम ने बंदे ने जीती थी, तो आज भी जीतेगी, मैं तो सारे टीम मैच में ऐसे ही कर लूंगा। अब यार सॉल्यूशन क्या है? उनसे ये पूछिए कि भाई अगर आप 2 करोड़ जिता सकते हैं, तो आप खुद पहले क्यों नहीं जीतते? क्यों आप दूसरे लोगों को जिताने पर, मतलब इतना परोपकार क्यों कर रहे हैं कि आप मुझसे तो 2,000 ले रहे हैं और दूसरे को 2 करोड़ जिता रहे हैं? पहली चीज उसका जवाब नहीं दे पाएंगे वो। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात वो है कि वो लोग क्या भेजेंगे, विनिंग स्क्रीनशॉट भेजेंगे, कल जिसने ग्रैंड लीग जीती उसका ले लेके स्क्रीनशॉट, कि हमारा बंदा था, हमने टीम दी थी इसको, और देखो ये जीत गया। तीसरा एक दिखाएंगे चैट का मैसेज, जिसमें वो जो बंदा जीता होगा उसके नाम से एक नंबर सेव होगा, उसमें वो दिखाएंगे देखो थैंक यू बोल रहा है कि भाई आपकी तो महान हो, मतलब आप तो गॉड लेवल हो यार, आपके आगे तो भगवान भी फेल है, आपकी जैसी टीम आपने जो करवाया आपने, अरे भाई क्या कहने, इतने सारे ड्रामे। ठीक है, 3 स्टेप के बाद जब चौथा स्टेप आएगा वो है कि भाई प्रॉमिस ऑफ विनिंग इन एवरी मैच, मतलब वो आपको प्रॉमिस करेंगे कि हम तो हर मैच में जिता देते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे जिता देते हैं, तो उसी में अगला पॉइंट आ जाता है, वो कहेंगे कि हम ना ड्रीम इलेवन ऐप को हैक कर लेते हैं, और हम हैक करके क्या करते हैं कि आपकी वाली जो टीम है हम उसको एडिट कर देंगे, आपकी टीम को एडिट करके, और जो जो प्लेयर चलेगा उसको उसमें इंक्लूड करते जाएंगे, उस हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन, और जैसी मैच खत्म होगा परफेक्ट टीम आपकी, आप सबसे ऊपर, आपकी रैंक 1। मूर्खो, एक बात बताओ, जब आपके अंदर इतना हुनर है, इतनी काबिलियत है, इतना है कि ड्रीम इलेवन जैसी ऐप को आप डेली हैक कर ले रहे हो, मतलब इतने करोड़ों यूजर्स जिस ऐप के हों, जिस ऐप ने इतना बड़ा मार्केट प्लेस खड़ा कर दिया हो, और आप कह रहे हो कि आप उसको डेली हैक कर लेते हो, वेरी स्मार्ट यार, आप तो कहीं फिर इंटेलिजेंस लेवल पे कहीं होना चाहिए आपको, तो क्या कर रहे हो आप यहाँ 2,000 2,000 5,000 में, और उसमें भी आप क्या कर रहे हो, इतना टैलेंट लगाने के बाद भी
आप ये कर रहे हो कि आप लोगों से कह रहे हो 10-10% पे आ जाओ भाई, मतलब आप खुद नहीं जीत रहे हो 2 करोड़ हर मैच में। आईपीएल में 75 मैच थे, अगर आपके पास वो काबिलियत है तो आप क्या करते हर मैच में अपनी टीम्स फिट करते हर कॉन्टेस्ट में। भाई 2 करोड़ का भी कॉन्टेस्ट था, 1 करोड़ का भी था, अगर ग्रैंड लीग की बात करूं मोटा मोटी में तो लगभग हर मैच में आप 5 करोड़ बना सकते थे। 75 मैच थे, आपको करना ये था कि आइडियली आपको 400 करोड़ विन कर लेने थे। क्यों अपने आप को बदनाम कर रहे हो लाख 2 लाख 4 लाख के चक्कर में, है कि नहीं? ऐसे सवाल आपको करने चाहिए ऐसे लोगों से, और आपको खुद भी सोचना चाहिए कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ड्रीम इलेवन का ऐप, और अगर चलो इसी बात पे आ जाए कि क्या सच में ड्रीम इलेवन ऐप हैक हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है कि भाई टीम चेंज हो जाए बीच मैच में? तो देखो मैं भाई एजुकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, एमसीए मैंने किया, डिजिटल मार्केटिंग भी मेरे को आती है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कोडिंग का खेल है पूरा, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस कोडिंग से चलते मैच में टेम्पर कर दें, और वो भी तब जब इतनी हाई सिक्योरिटी जिस ऐप की हो। ड्रीम इलेवन की जो हाई सिक्योरिटी लेवल है वो बहुत हाई है। दूसरी बात, अगर आपके अंदर इतना ही हुनर है, आप अगर सक्षम रहते हो उस चीज के, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप हैक कर सकते हो, तो आप पता है क्या करोगे? हैकर पता है क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको लगता है कि वो सिर्फ टीम चेंज करेगा और टीम चेंज करके आपको जिता देगा या खुद जीत लेगा, चलो उस बात पे भी आ जाते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। अगर आप ड्रीम इलेवन में घुस गए हो हैक करके, हैकिंग क्या है एक तरीके से, ये समझो ये गेट है ड्रीम इलेवन का, और उस ड्रीम इलेवन के गेट के अंदर आप घुस गए हो, फिर आप जो चाहो उसके अंदर कर सकते हो, यही तो हैकिंग है। तो आप पता है क्या करोगे सबसे ज्यादा? आप सबसे पहले ये करोगे कि जो बड़े बॉल है ड्रीम इलेवन के, उन पे बैंक अकाउंट की डिटेल चेंज करोगे, अपनी डालोगे, विड्रॉल मार दोगे। उसके बाद अगर आप यूजर साइड नहीं जाना जा सकते तो एडमिन साइड चले जाओ, एडमिन साइड जाओगे वहां क्या कर सकते हो आप, वहां ये कर सकते हो कि ड्रीम इलेवन का अपना वॉलेट भी है ना, जहां ड्रीम इलेवन का कमीशन ट्रांसफर होता है, जिसमें कई हजार करोड़ रुपए आपको दिखेंगे। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले वो कई हजार करोड़ रुपए को ठिकाने लगाओगे, ना कि आप यहां 10 लाख 5 लाख के ले जाओगे, समझे? तो इसलिए हैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हैक कर भी लिया तो यूजर साइड बंदा कभी नहीं जाएगा, सीधा सीधा कहां जाएगा, ड्रीम इलेवन के वॉलेट में, जहां उसको हजारों करोड़ दिखेंगे, और उसको बस क्या करना है वहां पे कुछ डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स चेंज करके और घुस जाना है। तो भाई ये जो तमाशे हैं ना, ये सिर्फ लूटपाट के तमाशे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ऐसे चक्करों में ना आए। कोई भी बंदा आपको कहे कि जहां आपको कोई प्रॉमिस करे कि देखो अच्छी टीम देने की कोशिश करूंगा, एनालिसिस के बेसिस पे कोशिश करूंगा कि अच्छी रैंक दिला पाऊं, उस बंदे पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि देखो हम लोग भी हैं, हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस तो करते हैं, एनालिसिस के बेसिस पे हमको पता होता है कि जब 4 मेंबर हम खेलने जा रहे हैं तो ओपोनेंट कौन से प्लेयर लाएगा, 2 मेंबर है तो कौन से प्लेयर, किस प्लेयर का गेम कवर अच्छा है, कौन से प्लेयर की फॉर्म अच्छी जा रही है ना, किस प्लेयर का मैचअप क्या है, तो उसके बेसिस पे एक आइडिया लग जाता है कि ये प्लेयर आज चल सकते हैं, तो वहां पॉसिबिलिटी है कि अच्छी रैंक दिला दी जाए। लेकिन अगर आपको कोई ये श्योर शॉट कह रहा है कि नहीं मैं आपको रैंक 1 दिलाऊंगा, 2 करोड़ रुपए की ग्रैंड लीग जिताऊंगा, तो समझ लीजिए उसी पल उसी क्षण की वो बंदा सफेद 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 झूठ बोल रहा है। बिल्कुल भी अपना जो कमाई का पैसा है उसको बर्बाद ना करें, मेहनत करें, सीखने की कोशिश करें। हम लोग आप लोग भी गलती, आप लोगों की भी, आप लोगों से भी मुझे शिकायत है, आप लोगों की गलती क्या है कि आप लोग जिन भी यूट्यूबर्स से जुड़े हुए हो उनके साथ आप क्या करते हो, आप ये करते हो उनके टेलीग्राम पर जुड़ जाते हो, टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद रेडीमेड टीम के भरोसे रहते हो और फिर सोचते हो हम ग्रैंड लीग जीत जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ग्रैंड लीग जीतने की हसरत है तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखेंगे कैसे? जब आप एनालिसिस वीडियोस देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरा चैनल फॉलो करो, मैं कहता हूं आपको जिसका चैनल अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि ये बंदा सबसे अच्छा एनालिसिस देता है, आप उस बंदे को फॉलो करो, उसके एनालिसिस को फॉलो करो, उसके बेसिस पे अपनी टीम बनाइए। वो ज्यादा बेटर इंस्टीट कि आप किसी को पैसा दें और वो आपको ग्रैंड लीग जिता देगा, अगर उसके अंदर कुव्वत है वो खुद जीतेगा, आपको नहीं जिताएगा, ठीक है? तो ये बात मेरी गांठ बांध लें। अब कुछ बातें और हैं। पहली बात तो ये कि एक वीडियो आ रहा है इस चीज पे कि भाई जो ड्रीम इलेवन में जो जिन लोगों ने 5-5 करोड़ जीते अभी, है ना, 2-2 करोड़ जीते, 1-1 करोड़ जीते, उन लोगों की टीम कैसी थी, लॉजिकल था उनका मैच में स्कोर कार्ड कैसा रहा, पिच रिपोर्ट क्या थी, उनकी टीम कैसी थी, उस पर हम पूरा एक एनालिसिस ला रहा हूँ मैं पूरा, उस पर टाइम लगेगा इसीलिए वो वीडियो डिले भी हो रही है, वरना मेरी कोशिश ये थी कि पहला वीडियो वही लाऊं आईपीएल के बाद, ठीक है? तो कम से कम 10-15 मैच का सैंपल लाने की मेरी कोशिश है जिसमें आपको दिखा सकूं कि ड्रीम इलेवन पे जो ग्रैंड लीग विनर होते हैं
उनकी टीम लॉजिक से बनती है या तुक्के से, एक चीज। दूसरा चीज ये कि आपके लिए खुशखबरी, खुशखबरी है कि मैं ला रहा हूं आपके लिए फैंटेसी का पूरा कोर्स, और वो भी बिल्कुल फ्री, मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगा। उम्मीद है 5 से 6 एपिसोड में वो पूरा खत्म होगा, जिसमें लेके बेस से कैसे ड्रीम इलेवन क्या है, खेलती कैसे, पॉइंट सिस्टम क्या है, उसके बाद फिर आगे की टीम बनानी कैसे, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कब करने, कैसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और क्या प्रॉफिट के हैक हो सकते हैं, ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग कैसे जीते, वो सारी जो चीजें वो मैं कवर एपिसोड बाय एपिसोड करूंगा। और उम्मीद मैं ऐसी करता हूं कि अगर आप बिल्कुल नहीं जानते ना इस चीज के बारे में, तो भी जब आप उसको देखना शुरू करेंगे एपिसोड बाय एपिसोड, आप सब सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि मेरे आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो प्लस मैच एनालिसिस आपके लिए हमेशा की तरह आते रहें। फिलहाल इजाजत दीजिए, मैं और आप तो मिलते रहेंगे आईपीएल में पूरे टाइम मिलें, अभी यहां से फिर मुलाकात का हमारा सिलसिला है, जन्म जन्मांतर का साथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं, कल फिर मिलते हैं, या कल नहीं कहिए एक आध दिन में, अगली वीडियोज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।